सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सेफ और आप देख रहे हैं टीजीवी से। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आपके आज नहीं तो कल जरूर काम आने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब भी अपने ओल्ड फोन से अपने न्यू फोन के अंदर शिफ्ट होते हो तो सबसे पहले आप अपने ओल्ड फोन के डेटा को अपने न्यू फोन के अंदर ट्रांसफर करने की सोचते हो, जैसे कि फोटोज, वीडियोस, मैसेजेस, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। तो फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट जैसे कई फाइल्स को तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि इनको ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन अवेलेबल है। बट अगर आप अपने व्हाट्सएप डेटा को एक फोन से दूसरे फोन के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वैसे एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगर आप एंड्रॉइड टू आईफोन, आईफोन टू एंड्रॉइड या आईफोन टू आईफोन डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो आज की अपनी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से अपने आईफोन के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, और वो भी अपने आईफोन को बिना फैक्ट्री रीसेट किए, क्योंकि ये क्वेश्चन आज के टाइम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अभी के टाइम में मोस्टली एंड्रॉइड यूजर यहाँ पर आईफोन के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी रेट यहाँ पर डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इस वजह इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे बिना गूगल ड्राइव, आई क्लाउड और आईट्यून के अपने एंड्रॉइड और आईफोन के डेटा को बैकअप और रिस्टोर कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप ये सब कैसे कर सकते हो। तो वैसे तो यहाँ पर इसकी जो प्रोसेस है वो आपके लिए थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट अगर आप इसको एक बार समझ जाओगे तो आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको यहाँ पर इस साइट को ओपन करना है, जिसका नाम है आई टू लेव वॉट्स गो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस साइट का छोटा सा एक बेसिक और भी बता देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये साइट यहाँ पर कैसे वर्क करती है। तो ये अपनी साइट के यहाँ पर इंटरफेस जो कि भी आप देख सकते हो, जिसमें आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि इसकी जो ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, जो कि मूव टू आईएस और स्मार्ट स्विच से भी ज्यादा है। साथ ही इसकी जो सक्सेस रेट है वो भी अप्रोक्स 90% है, और आप इसकी हेल्प से एंड्रॉइड टू आईफोन, आईफोन टू एंड्रॉइड और आईफोन टू आईफोन और एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड भी यहाँ पर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि आप इसकी हेल्प से ए टू जेड अपना सभी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे वो मैसेज हो, कॉन्टेक्ट हो, कॉल हिस्ट्री हो, या कोई इमेज, वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट हो, जो कि भी आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इनके अलावा अगर आप जीबी व्हाट्सएप यूज करते हो तो आप उसका भी बैकअप ले सकते हो, जिसको आप रीस्टोर या नॉर्मल व्हाट्सएप पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। इनके अलावा भी बहुत सारे फीचर जिनको आप अभी देख सकते हो। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर कुछ सेकंड के अंदर आपके लैपटॉप के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, जिसके लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस और जीबी व्हाट्सएप भी देख सकते हो। बट आज मैं आपको नॉर्मल व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ, और यहाँ से अगर आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप डेटा को बैकअप और रीस्टोर भी कर सकते हो, जो कि साइट के अंदर हमें यहाँ पर ये भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इनके अलावा यहाँ गूगल ड्राइव से भी डेटा रिस्टोर करने का ऑप्शन मिलता है। बट अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको अपने एंड्रॉइड फोन और आईफोन को केबल से अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करना है। और जैसे ही हम अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो अपना आईफोन तो यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, बट एंड्रॉइड फोन को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इसके अंदर एक छोटी सी सेटिंग करनी है, जिसके लिए हमें यहाँ पर इसकी सेटिंग के अंदर अबाउट फोन के अंदर जाना है और इसके वर्जन पर एट टाइम क्लिक करना है, जिसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फोन के अंदर यहाँ पर डिफरेंट तरीके से अनलॉक होता है, जिसका प्रोसीजर आपको यहाँ पर इसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आपके फोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद आपको उसके अंदर यूएसबी डिबगिंग सर्च करके इसको ऑन कर देना है, और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपने दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर अपने लैपटॉप से कनेक्ट हो चुके हैं, जहाँ पर सोर्स फोन है अपना एंड्रॉइड स्मार्टफोन और डेस्टिनेशन फोन है अपना आईफोन, जिनको आप इस एरो पर क्लिक करके इनको स्वैप भी कर सकते हो। बट हमें अपने एंड्रॉइड डिवाइस से अपने आईफोन के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है, तो मैं इसको यहाँ पर फिर से स्वैप कर देता हूँ। और ट्रांसफर पर क्लिक करने से पहले आपको अपने एंड्रॉइड और आईफोन के अंदर एक छोटी सी सेटिंग और करनी है, जिसको करने के बाद आप अपनी ट्रांसफर प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। तो पहले आईफोन की सेटिंग में आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके नीचे फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहाँ एक बार के लिए आपको अपने फाइंड माय आईफोन की सेटिंग को ऑफ कर देना है, जिसको आप बाद में ऑन भी कर सकते हो। और आपके एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर आपको एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप को ऑन करना है, और उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर चैट ऑप्शन के अंदर जाना है, जहाँ चैट बैकअप पर क्लिक करके एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप को ऑन करना है, जिसके बाद आपको 64-bit पासवर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, जो कि आपके आगे काम आने वाला है। जिसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना 64-bit पासवर्ड टाइप करना है, जो कि आपको एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप ऑन करते वक्त शो हुआ था, जो कि मेरे लैपटॉप के अंदर सिक्योरिटी रीजन के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट आप यहाँ पर इसको इजीली टाइप कर सकते हो। जिसको वेरीफाई करने के बाद आपका 99% व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल लास्ट के अंदर आपको अपने आईफोन के अंदर उस अकाउंट नंबर को लिखकर लॉगिन करना है, जिसका आपने डेटा ट्रांसफर किया था, जिसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ ओटीपी लगानी है और आपको अपने एंड्रॉइड फोन का व्हाट्सएप डेटा आपके आईफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के प्लस पॉइंट बता देता हूँ, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो वैसे तो ऐसे ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिलते, बट अगर हम इसको मूव टू आईओएस से कंपेयर करें, जो कि यहाँ पर मोस्ट यूजिंग ट्रांसफरिंग ऐप है, तो उसमें आपको एंड्रॉइड टू आईफोन डेटा ट्रांसफर के अंदर आपके आईफोन को रीसेट करना पड़ता है, जो कि हमें आई टूल के व्हाट्सएप के अंदर नहीं करना पड़ता। साथ इसकी जो स्पीड है वो भी
रेडमी मूट आईओएस और स्मार्ट स्विच से फास्ट है और तो इसके यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो भी यहाँ पर 90% के आसपास मिलती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने व्हाट्सएप के डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी डिवाइस में करना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपके लिए एक अच्छा व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर हो सकता है जो कि मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन ब्रांड को भी सपोर्ट करता है। और लास्ट में बात करें अगर यहाँ पर इसकी प्राइसिंग की, तो PLAB 30S कूपन अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद इसके वन मंथ के प्लान को आप $11.87 के अंदर परचेस कर सकते हो और वन ईयर के प्लान को $24.97 के अंदर। बट मुझे यहाँ पर इसका जो लाइफ टाइम प्लान है वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, जो कि सिर्फ $27.97 का है, जिसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं।